आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरीके से आप प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना इस वेबसाइट पर governmentjobcenter.com। पिन कमेंट में लिंक दिया है या गूगल पे सर्च करके भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, नीचे की तरफ आपको आ रहा है, यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा आपको इम्पोर्टेंट का। ये देखिए इम्पोर्टेंट का सेक्शन है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023। आप इस पर क्लिक करेंगे, पेज में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको 10, 12 और 9, 11 दोनों के लिंक अलग अलग मिलेंगे। 9 और 11 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 10, 12 का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सीधे आपको लॉग इन करके यहाँ पर आपको फॉर्म भरना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप इसी पेज पर आ जाएंगे जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब 10 12 वाले छात्र ध्यान दें, यहाँ पर सिंपल सा आपको करना है रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक। ये देखो रिन्यूअल लॉगिन जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने चार विकल्प आ जाएंगे। अगर आप 10 का फॉर्म भर रहे हैं तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है, 12 का फॉर्म भर रहे हैं तो स्टूडेंट इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है, और अगर बीए वगैरह का फॉर्म भर रहे हैं या और कोई फॉर्म भर रहे हैं बीएड वगैरह का तो आप इस पे जाएंगे, और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो इस पर जाएंगे, ठीक है। 9 वाले और 11 वाले पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लॉग इन करेंगे। और फिर ये ऊपर 9 वालों का लिंक है, नीचे 11 वालों का लिंक है, और ये बीए बीएससी बीकॉम वालों का लिंक है, बीएड वालों का लिंक है, और नीचे अदर स्टेट का लिंक है। तो इस वीडियो में मैं आपको 12 का फॉर्म कैसे भरना है, 12 का रिन्यूअल कैसे करना है वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम रिन्यूअल पे जाएंगे और इसके बाद इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन संख्या भरें 2022-23 की। तो पिछले साल यानी जो 11 में आपने फॉर्म भरा था वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना है, जन्मतिथि यहाँ डालना है, इसके बाद पासवर्ड यहाँ पर डालना है, कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है, और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आप इसके डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे। मान के चलो अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन नंबर ही है, तो आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पर क्लिक करके आप पासवर्ड को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको 2022-23 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ जन्मतिथि डालना है, यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना है कौन सा बोर्ड था आपका, आपने कब इसको क्वालिफाई किया हुआ है, उत्तीर्ण कब किया, हाई स्कूल ये डालना है, हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, पासवर्ड पुनः प्राप्त करें तो आपके मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा, वहाँ से आपको पासवर्ड मिल जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो आप अपने विद्यालय में जा करके वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने पेज खुल करके आएगा जो कि यहाँ पर देखे खुला हुआ है। अब यहाँ पर देखे कई सारे स्टेप हैं, सबसे पहले स्टेप 1 में यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा हुआ है, यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है, किस विद्यालय में कार्यरत है जनपद यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा हुआ, जो आपने 11 में फॉर्म भरा होगा वही विद्यालय यहाँ पर लिख करके आएगा, छात्र का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। हमको जाना है अब सेकेंड स्टेप में, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, देखिए साइड में कई सारे मेनू बार आए, तो रजिस्ट्रेशन करें पे अभी टिक यहाँ पर लगा, अब हम जाएंगे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा, यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिखा हुआ है, जन्मतिथि लिखी हुई है, अब यहाँ लिखा है आधार जनसंख्या प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें, इस बॉक्स में अपना आधार नंबर डालना है, नीचे वाले बॉक्स में आधार नंबर दोबारा से डालना है, और यहाँ पर एक टिक मार्क लगा हुआ है, इस टिक मार्क को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पेज में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से विंडो आपके सामने आएगी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रमाणीकरण सफल, यहाँ पर लिखा हुआ आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन में टिक लग गया है, और लिखा है क्लिक हियर फॉर आधार OTP ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर अभी टिक नहीं लगा है, मतलब जो हमारे डेटा थे जैसे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो यहाँ पर मैच हो गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सफल हो गया है, मतलब टिक लग गया है, लेकिन अभी हमें आधार के OTP से इसको वेरीफाई करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है।
और इसको वेरीफाई करने के लिए डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के लिए भी 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे और ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करने के लिए भी 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। यहाँ पर हमारा 1 अटेम्प्ट पूरा हो चुका है डेमोग्राफिक के लिए और 0 अटेम्प्ट हुए अभी हमें ओटीपी के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं क्लिक हियर पर आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड आएगा तो यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा रिसेंट ओटीपी पे क्लिक। तो यहाँ पर देखिए बताया कि ओटीपी हमने भेज दिया इस मोबाइल नंबर पर। मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 अक्षर यहाँ पर आपको दिखेंगे, इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस नंबर पर आपकी ओटीपी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आराम से पता लगा सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर ये नहीं है तो आपको अपना आधार नंबर जो है उसमें जो आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर लगवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फॉर्म यहाँ पर भर पाएंगे। तो हमारे पास ओटीपी आ गई, हमने यहाँ पर डाल दिया है वेरीफाई आधार बाई मोबाइल ओटीपी, यहाँ पर क्लिक कर लिया है। अब देखिए ये हमारा आधार ओटीपी सफल हो चुका है और यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट साइड में मेनू बार था यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर डिसेबल हो गया है, तीसरे नंबर में देखिए ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। एक एक स्टेप करके हमको आगे बढ़ना है। मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु यहाँ पर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है, इससे आपके सामने पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी लिखी होंगी, ये डिटेल्स ऑटोमेटिक आ रही हैं जो आपने 11 में फॉर्म भरा था, इनको सारी चीजें चेक कर लो। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है मोबाइल नंबर एवं दूरभाष नंबर, जो 11 में आपने मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ भरा भरा आ रहा है, लेकिन उसको सत्यापन करना है। सत्यापन करने का मतलब यहाँ पर उसी मोबाइल नंबर को आपको दोबारा से डालना है, इससे यह पता चलेगा कि मोबाइल नंबर आपका सही है बदला नहीं है। अगर आपका बदल गया तो फिर चेंज करने का भी यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है फिलहाल, तो यही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया गया है सेम टू सेम कैप्चा कोड डाल करके सबमिट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए अब आपने जब जो मोबाइल नंबर डाला उसमें एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको बॉक्स में डालना है। बॉक्स में डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में डालना है और इसके बाद फिर हम यहाँ पर करेंगे सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन। तो हमारे पास ओटीपी दोबारा से आ चुका है 837 और 22। ठीक है, मैं सब कुछ लाइव करके दिखा रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर देना। तो हमने ओटीपी डाल दिया, कैप्चा कोड डाल दिया, सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा तो यहाँ पर रिसेंट ओटीपी लिखा हुआ है, यहाँ से क्लिक करके दोबारा से ओटीपी आप मंगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है कई स्टेप हो चुके हैं यहाँ पर, और एनसीपीआई सत्यापन है तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन था लेकिन ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो चुका है क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये सत्यापित है पहले 11 से ही। ठीक है, बाकी जो लोग नए छात्र 9-11 का फॉर्म भरा है उनको जो है एनसीपीआई रजिस्टर सत्यापन बैंक से जाकर के करवाना होगा, तो हमारा ऑलरेडी सत्यापित है तो यहाँ पर इसमें हमें भरना ही नहीं पड़ा है। अब लिखा है आवेदन नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो अगर कुछ मिस्टेक है तो यहाँ से अपने आवेदन पत्र को संशोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आपकी भराई भराई आ चुकी हैं 11 के हिसाब से। यहाँ पर ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कक्षा 11 वाले डिटेल्स ही आएंगी जो 11 में आपने भरा था। तो यहाँ पर आपको पहले तो हाई स्कूल की डिटेल्स ऊपर भर देना है क्योंकि ब्लैंक आएगा ये। ठीक है, पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पर कक्षा 12 आपको सेलेक्ट करना है, पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि तो 12 क्लास में जिस जब आपने एडमिशन लिया है तो वो डेट डालना है आपको। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका रिन्यूअल हो जाता है 11 से 12 में ऑटोमेटिक क्लास में प्रमोशन हो जाता है तो आप 1 अप्रैल 2023 डाल सकते हैं। बोर्ड में पंजीयन 11 वाला ही रहेगा, बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड ही रहेगा। इसके बाद आवासीय छात्र में दीवा छात्र रहेगा, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आवासीय छात्र भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फीस जो लिखे नॉन रिफंडेबल शुल्क, तो ये 12 की फीस यहाँ पर लिखना है, कक्षा 12 में जो टोटल आपको वार्षिक फीस लगती है वो यहाँ पर लिखना है, और इसके बाकायदा आपके पास पर्ची भी होनी चाहिए मतलब फीस रिसिप्ट भी होनी चाहिए। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो विद्यालय से आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है 15 नंबर पे कि कक्षा 11 में जो आपको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है उसकी डिटेल्स आपको देना है। तो छात्रवृत्ति कितनी मिली है आपको उसका अमाउंट यहाँ डालना है, छात्रवृत्ति के साथ साथ कुछ फीस रिफंड भी होती है तो वो अमाउंट यहाँ डालना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना है।
ठीक है। इसके बाद ये सब डिसेबल रहेंगे ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए गत वर्ष की परीक्षा में यहाँ पर 10 लिखा होगा आपका, तो आपको 11 भरना है। यहाँ पर रिजल्ट में पास दिखाना है, और यहाँ पर आपको जो है पूर्णांक बाय डिफॉल्ट ये कक्षा 10 का लिखा होगा, क्योंकि जो आपने 11 में भरा था वही आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको कक्षा 11 का पूर्णांक भरना है। कक्षा 11 में 500 का पूर्णांक होता है, तो वही यहाँ पर आपको भरना रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ऑप्शन अगला है नंबर का, तो ये भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कक्षा 11 का ही लिखा होगा। तो प्राप्तांक जो है आपको अपने कक्षा 11 के रिजल्ट से प्राप्तांक और पूर्णांक देख करके लिखना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। अब शिक्षण संस्थान का नाम, आपके रिजल्ट में जिस भी विद्यालय का नाम है वो विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हैं किसी प्राइवेट विद्यालय में और उन्होंने जो रिजल्ट दिया किसी दूसरे विद्यालय का दिया है, तो ध्यान से रिजल्ट में देख करके ही आप यहाँ पर करना जो रिजल्ट में लिखा हो। इसके बाद यहाँ पूछेगा क्या आपके पिता साक्षर हैं, तो पिता साक्षर है, पढ़े लिखे हैं तो आप यस कर देना, नहीं पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर नो भी कर सकते हो। अब कितना पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर अपने जितना पढ़े लिखे हो आपके पिताजी उस हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। माता के बारे में पूछेगा आपकी माता पढ़ी लिखी है, तो यहाँ पर यस करना है, नहीं पढ़ी लिखी है तो नो कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके पास और आएंगे, जैसे आपके घर में क्या कच्चा मकान है, कच्ची दीवारें हैं आपके घर में, तो अगर हैं तो आप इस पर टिक कर देंगे। दूसरा है आपके फैमिली में 18 से 59 साल के बीच कोई भी आदमी नहीं है, मेंबर नहीं है, तो आप यस कर देंगे अगर आपके ऊपर लागू होता है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं, अगर आप इनको पढ़ लीजिए, अगर आपके ऊपर लागू होते हो तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं, नहीं लागू होते तो इनको सिंपल सा छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा लास्ट वाला नंबर लागू होता है, कि यहाँ पर इसमें लिखा हुआ ये है कि हमारे घर का जो खर्चा है ज़्यादातर वो मैनुअल लेबर से आता है, जो इनकम होती है मैनुअल लेबर से ही होती है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं अगर आपके ऊपर लागू होता है तो। अब यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया, इस कैप्चा कोड को डालोगे और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दोगे। तरीके से आपके सामने पेज आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है, अगला चरण जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो ये है, तो यहाँ पर हम सिंपल से होम पेज पे चले जाएंगे इसके। अब यहाँ पर देखिए ये सारा टिक लग चुका है, ठीक है, संशोधित भी हो चुका है। फोटो अपलोड आपको करना नहीं है, बाय डिफॉल्ट 11 वाले फोटो ही ले लेगा। अब लिखा है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा आवेदन पत्र जो है प्रिंट हो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स आप अच्छे से चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर अभी आप संशोधन कर सकते हो। अब इस प्रिंटआउट को आप निकाल लो और जाकर के अपने विद्यालय में जाकर के चेक करा लो अपने टीचर से कि यह सही है या नहीं सही है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो अभी आपका संशोधन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट दिस पेज पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसको हम प्रिंटआउट अपने पास लेकर के रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट रख लिया हमने, सेव कर लिया। अब इसको जाकर के अपना स्कूल में चेक करा लीजिए, और यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं, टिक लग चुका है। ठीक है, अब करना क्या, अगर आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल है वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ आपका फॉर्म सही है, तो अब लास्ट स्टेप में आप जाइए और लिखा हुआ है संस्था है तो आवेदन प्रिंट करें। यहाँ पर अपने आवेदन को आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद अब इसको जो है अपना फोटो कॉपी निकलवा लीजिए इसकी, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपने विद्यालय में इसकी हार्ड कॉपी जमा करना होगा। आवेदन करने की लास्ट डेट के अंतिम शायद 3 से 7 दिन मिलते हैं, उसमें जाकर के आपको अपने विद्यालय में हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। अगर आप अपने विद्यालय में हार्ड कॉपी जमा नहीं करते तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। इतना आपको काम करना है, इस तरीके से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।